हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएस यादवपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं करना आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख के आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हमने जो है YouTube ओपन कर लिया है, आपको आपके प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो हम अपनी प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है स्टूडियो, यहाँ पे YouTube स्टूडियो को ओपन करना है। अगर आप फोन से ये चीज़ें कर रहे हैं तो सिंपली आपको जो है studio.youtube.com ओपन कर लेना है। studio.youtube.com तो ये आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये ओपन करने के बाद आपको जो है थ्री डॉट पे क्लिक करके एड टू डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेना है, तो आपको बिल्कुल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ये होने के बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आप जैसे कि स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपके चैनल का नाम दिखाई देगा। अगर आपको आपके चैनल का नाम चेंज करना है तो इस पेंसिल पे क्लिक करके आप आपके चैनल का नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कैसे आप अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन पे ऐड करना होगा, क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको आपके चैनल रिलेटेड और आपके बारे में डालना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ईशु शर्मा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट How to trend your channel। तो आप इस तरीके से आपके जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जो भी आप आपके चैनल का नाम रखो तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन डालते हैं उसमें आपको लास्ट में जो है हैशटैग के साथ आपके चैनल का नाम डालना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एडिटिंग कोर्स, मैं यहाँ पे इस तरीके से चैनल का नाम डालूंगा। अगर कोई ये सर्च करता है तो सबसे पहले मेरा नेम जो है, मेरे चैनल का नेम ऊपर आ जाएगा, वहाँ पे मेरे चैनल का लोगो दिखाई देगा, यानी प्रॉपर मेरा चैनल दिखाई देगा। उस मैंने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं वो यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो आप इस तरीके से आपके चैनल के नेम के साथ आपका जो है हैशटैग जरूर क्रिएट करना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने दो वर्ड का नाम लिया या तीन का लिया है तो उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। तो इस तरीके से आपको जो है आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप जो है लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश, किस तरीके से आपको जो है ये शो करना है। अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश में करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में यहाँ पे करके यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करके। जैसे कि आपने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी में क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके डन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं चैनल URL के बारे में। नॉर्मली आप अगर किसी अपने दोस्त को चैनल का लिंक सेंड करना चाहते हो तो कस्टमाइजेशन पे जाके आप यहाँ पे जो है कॉपी लिंक करके आप अपने दोस्त को चैनल का लिंक भेज सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि आपके 100 सब्सक्राइबर होते हैं उसके बाद में आपको एक कस्टमाइजेशन चैनल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कस्टमाइजेशन नेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप अपना जो है चैनल का नेम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो जैसे कि एडिटिंग कोर्स नाम है, तो 100 सब्सक्राइबर होने के बाद में मैं अपना यहाँ पे नेम चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद में हम बात करते हैं ऐड लिंक की। तो यहाँ पे आपको आपके सोशल मीडिया वेबसाइट वगैरह का यहाँ पे आपको लिंक देना होगा, आपको ऐड लिंक पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप किस चीज़ का लिंक यहाँ पे डालना चाहते हो, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम का यहाँ पे नाम डालना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम का अपना लिंक डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो चीज़ लिख देना है। जैसे कि मैं IG लिख देता हूँ और यहाँ पे जो भी आपका लिंक हो वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ एक बार आपको कैसे आपको डालना है। इंस्टाग्राम में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ।
जैसे कि instagram.com, उसके बाद में स्लैश आ जाएगा यहाँ पे। स्लैश आके आपका जो भी आईडी रहेगा आपको यहाँ पे इस तरीके से डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो प्रोफाइल होगी वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से जो है आपका आईडी डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना प्रोफाइल डाल देता हूँ। तो ये अपना आईडी है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये कॉपी करके जो है कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना, फिर से यहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपका जो है इंस्टाग्राम का लिंक ऐड हो चुका है। आपको इसी तरीके से आपकी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे वेबसाइट लिख के उसका यूआरएल यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। अगर आपको कोई फेसबुक का, ट्विटर का या किसी अदर सोशल मीडिया का आपको लिंक देना है तो यहाँ पे सोशल मीडिया का नाम लिख के आपको यहाँ पे यूआरएल लिख देना है। उसके बाद में आपको सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 5 लिंक जो है वो यहाँ पे लोगों को शो करने वाले हैं। जो भी आपके चैनल को देखेगा वो स्टार्टिंग के 5 लिंक आपके देख सकता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो कि सिर्फ मेरा यही लिंक दिखाई देना चाहिए या 2 लिंक जो भी मैंने डाले वो दिखाई दे, इस तरीके से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस रिलेटेड जो जीमेल है वो यहाँ पे आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे भी आपको जो है आपका कॉलिंग नंबर अगर आप देना चाहते हो ब्रांड प्रमोशन के लिए, या फिर आप कोई भी इंस्टाग्राम आईडी या कुछ भी यहाँ पे आप देना चाहते हो, आपकी जीमेल आईडी देना चाहते हो, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन वो भी डाल देना है। अब बात करते हैं ब्रांडिंग की। तो सिंपली आपको ब्रांडिंग पे क्लिक करना है। अगर आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको चेंज पे क्लिक करना होगा और जो भी आपके पास फोटो अवेलेबल होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आपको सिंपली जो भी फोल्डर में आपने फोटो रखा वो सिलेक्ट कर लेना है और पिक्चर को यहाँ पे जो है चेंज कर लेना है। अगर आप अपने पिक्चर को हटाना चाहते हो तो सिंपली आपको रिमूव पे क्लिक करके पब्लिश कर देना होगा। अब बात करते हैं बैनर। तो यहाँ पे आपको बैनर अपलोड करने के लिए सबसे पहले बैनर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइज की बात करें तो ये साइज जो है रहने वाला है और यहाँ पे 6 MB से कम का होना चाहिए आपका बैनर। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपलोड पे क्लिक करना है। जो भी आप बैनर लगाना चाहते हो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपका बैनर यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है ये इस तरीके से मोबाइल पे यहाँ पे इतना जो ये एरिया है ये मोबाइल पे दिखाई देने वाला है। अगर बात करें तो ये पूरा डेस्कटॉप के अंदर इस तरीके से पूरा यहाँ तक का जो है ये बीच वाला पार्ट दिखाई देने वाला है। अगर कोई टीवी पे आपके चैनल को देखता है तो पूरा इस तरीके से जो है आपका चैनल का जो बैनर है यानी कि आर्ट है वो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देने वाला है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर बात करें वाटरमार्क की, यानी कि अगर आपके चैनल पे कोई आप वाटरमार्क लगाना चाहते हो, आपकी पिक्चर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। आप सब्सक्राइब का बटन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको जो भी पिक्चर लगाना है वो यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। इस तरीके से ये पिक्चर दिखाई देगा, आपको डन पे क्लिक कर देना है। अगर आप ये वीडियो के लास्ट में दिखाई देना चाहते हो कि ये लास्ट में दिखाई दे तो पहले वाला आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप आपके अकॉर्डिंग टाइम सेट करना चाहते हो तो कस्टमाइजेशन का आपको जो है ये सेट करना। अगर आप चाहते हो कि पूरी वीडियो के अंदर ये आइकन जो है दिखाई दे तो आप एंटायर वीडियो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करके आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो मैं फिलहाल इसको भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको बाद में अच्छे तरीके से एडजस्ट करूँगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं लेआउट की। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हैव डज नॉट सब्सक्राइब, यानी कि आपकी जो भी बेस्ट वीडियो है जिसको देख के आपको लगता है कि हाँ कि मेरे को लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सिंपली वो वीडियो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो अपलोड करना होगा, उसके बाद ही आप जो है उन वीडियो को यहाँ पे ट्रेलर के लिए लगा सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं आपकी वीडियो को। उसके बाद बात करते हैं फीचर्ड वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, यानी कि जो भी आपकी वीडियो पॉपुलर हो चुकी है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि लोग उसको देखें और फिर से जो है सब्सक्राइब करें या दोबारा से आपके चैनल पे आए, विजिट करें और वीडियोस को देखें। उसके बाद बात करते हैं ऐड सेक्शन की। तो यहाँ पे आप ऐड सेक्शन कर सकते हैं जो भी आपकी पॉपुलर वीडियो होगी। तो यहाँ पे ये देखिए एक सेक्शन बन चुका है कि जो जितने भी पॉपुलर वीडियो होंगी वो इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि जो भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वो अपलोड सेक्शन के अंदर आए तो आपको अपलोड पे क्लिक करना है। इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस को अगर आप अलग से बनाना चाहते हो तो शॉर्ट पे क्लिक करना, तो इस तरीके से जो है शॉर्ट का एक अलग सेक्शन बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि
लाइव का ऐड करूं मैं यहां पे ऑप्शन, तो लाइव पर क्लिक कीजिएगा, यहां पे लाइव भी आ जाएगा। इस तरीके से यहां पे आप जो है अपने प्लेलिस्ट को भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई प्लेलिस्ट बनानी है तो यहां पे कर सकते हो, मल्टीपल प्लेलिस्ट यहां पे आप लगा सकते हो। सब्सक्रिप्शन अगर आप अपने दूसरे चैनल को यहाँ पे लगाना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन वगैरह भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और फीचर चैनल का मतलब है कि आप अपने दूसरे चैनल को यहाँ पे लगा सकते हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है सब्सक्राइब, या फिर आप मेरे इस चैनल को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सर्च यहाँ पे लिखना है टाइटल, उसके बाद में आपको सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ सी एस आदमपुर। तो इस तरीके से जो है आपका चैनल आ जाएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो है फीचर चैनल आ जाएगा, जो आपका दूसरा चैनल वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इन सेक्शंस को यूज कर सकते हो आपके सब्सक्राइबर वगैरह इंक्रीज करने के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई सेक्शन मेरा गलत है, बाई मिस्टेक बन गया है, तो आप उसको डिलीट करना चाहते हो, तो सिंपली आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना और उसको रिमूव कर देना है। आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, जो भी आप सेक्शन यहाँ पे रखना चाहते हो सिर्फ उसको रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।